जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। वालेकुम सलाम जी भाई। खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अरे भाई, वो व्हाट्सएप पर एक बात चल रही है, हाँ क्या जुगेश्वरी मरकज में वो प्रोग्राम चल चल रहा है जो मरकज निजामुद्दीन में चल रहा है? ये बात कहाँ तक सही है? जोगेश्वरी में मद्दी में। मदनी में जो हाँ निजामुद्दीन में 24 घंटे का प्रोग्राम चलता था, हाँ सेम वही प्रोग्राम इस वक्त जुगेश्वरी में चालू हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। वो असल में जोगेश्वरी के बारे में ये बात आई थी कि भाई वो मरकज को जो है ना अपने हलके के साथी बारी बारी वहाँ अपना वक्त देना चाहिए और वहाँ 24 घंटे के अमल होना वही चाहिए। तो अमाल हुए जो मरकज के हैं। नहीं, मरकज तो मरकज है, मरकज के अमल यहाँ कहाँ से हो गए, यहाँ तो जो बदलते। 24 घंटे में जो मरकज में अमाल चलते थे, हाँ वही इलाके के साथी 24 घंटा उसी अमाल को यहाँ आबाद करेंगे? अच्छा ये बात आ रही है। ये बात आ रही है, कहाँ तक सही है? अच्छा आज बुध के मशवरे में जा रहे हैं हम लोग। अभी वो बुध का मशवरा जो शहर का होता है ना वो इतवार को होता है, क्योंकि मदनी तो मेरा जाना हुआ ही नहीं है। हम लोग तो यहाँ खार में है ना, सांता क्रूज में, अच्छा, तो मदनी पे जाना ही नहीं हुआ इस मरतबा रमजान से पहले से ही। तो ये चीज आपको नहीं मालूम है? नहीं। नहीं, ये बात तो निजामुद्दीन में आई थी कि भाई अपने साथी वक्त देवे और बारी बारी वहां पर वक्त लगाएं, क्योंकि हाँ, वहां पर जमाते जो आती है उनकी रवानगी है, जो जमाते हैं उनकी वापसी तो है। ऐसा कुछ सुनने जा रहा है कि वहाँ एक दिन प्रोग्राम शुरा वालों को होता है और एक दिन प्रोग्राम जो है जुमेरात को हाँ अमालत वो तो वालों का होता पंचकोसा पहले से होता है। पंचकोसे का जो तरतीब ये थी है। हाँ कि जुमेरात को अपनी शब गुजारी होती है हाँ और शनिचर को वो लोग शब गुजारी करते हैं, और जमातें दोनों आती हैं, यानी दोनों दोनों आती है। जमातें हाँ आती है और दोनों मिलके ही उसको सा नुसरत भी करते हैं, काम भी करते हैं, और हाँ वो गश करते हैं इतवार के दिन और अपने साथी गश करते हैं जुमा के दिन। इस तरह जी वहां मिला जुला काम चल रहा जी तो सही है, लेकिन अगर वो निजामुद्दीन के तर्ज पर 24 घंटा अमल करोगे तो ये सूरा है। हाँ वालों का प्रोग्राम बंद होगा या चलता रहेगा? नहीं, वो तो जारी रहेगा। तो फिर 24 घंटा का मरकज का इंतजाम यहाँ कैसे ट्रांसफर हो सकता है? जी हाँ नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है ना, हाँ, कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। अब जो इलाके की जमातें आएंगी, जैसे आपकी है, तो देखिए, हाँ तो जो जो शनिचर इतवार उनका है, तो वो हाँ जमातें आपकी तो उसमें अपना प्रोग्राम नहीं कर सकती, वो तो नहीं टू नहीं नहीं कर सकती, वो तो मेंबर उनके पास उनका होता है ना, मेंबर हाँ पे वो रहते हैं। जी शनिचर को जो है ना देखो उनका असर से शुरू होता है हाँ शब गुजारी, हाँ असर मगरिब इशा फजर, तो इतवार के दिन भी फजर जो है ना वो उनका मशवरा भी होता है फिर शहर का। अच्छा हाँ तो उसमें तो उनको ही वो पहले से दिया गया है ना। जी, तो यही बात समझ में नहीं आ रही थी, वहां पर आया था कि मुरीद जमशेद वगैरह की जमात आई थी। हाँ वो तो अपने 12-20 दिन बम्बई, जो बम्बई के साथी साल में एक मरतबा चलते हैं ना, हाँ तो इस मरतबा ऐसा हुआ कि बम्बई के साथी हम लोगों के साथ निजामुद्दीन के साथ साथी आए थे। मौली जमशेद आए थे हाँ और मुरसलीन भाई आए थे और मुफ्ती अमजद आए थे, हाँ मौलाना गुला महमूद बस्ती आए थे, हाँ इस तरह से 7 साथी आए थे। तो 7 साथी वो और 20 साथी हम बम्बई में 12 दिन चले थे, उसमें 1 दिन मदनी में भी थे। जी, तो उन लोगों के मौजूदगी में ये चीज को तय हुआ है? हाँ नहीं, उनके मौजूदगी में तय नहीं हुआ, वो तो प्रोग्राम करके चले गए थे बस। अच्छा, तो उनसे इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं? नहीं, कोई प्रोग्राम से लेना देना नहीं, जी, कोई लेना तो ये नहीं। बातें चल रही थी, हमने कहा जरा सा आपसे फोन करके पूछते हैं क्या हाँ हकीकत है। अच्छा, निजामुद्दीन की क्या इस वक्त हाल है? निजामुद्दीन तो अभी पहले की तरह बंद ही है ना, जैसा वो जो कानूनन जो रमजान के लिए उन्होंने हाँ, इजाजत दी है, रमजान की जाती है, सही जैसे है, शबे बारात के लिए दिए थे, रमजान के लिए दिए, लेकिन वो तो सिर्फ नमाज के लिए ना। सिर्फ नमाज के लिए हाँ मगर वो अपना जो हिस्सा है जिसमें पहले भी अमाल होते थे 24 घंटे के, फजर के बयान से लेके हयातु साबा, है। हाँ, तो महदूद मजमे के साथ ये सारे अमाल हो रहे हैं वहां पर। तो वहां पर तो ये जो जमात जाना चाहे अपना हाँ सामान लेके क्या जा सकती है? हाँ जमात को फिर मरकजी मस्जिद में ठहराते हैं। अभी देखो क्या हो गया, वहां पर 3 जगह पे उन्होंने अमाल शुरू किए 24 घंटे के। उल्मा इकराम जो है मरकजी मस्जिद में ठहरे, जो मरकज से लगकर जो मस्जिद है ना, और कला मस्जिद में उमूमी मजमे को ठहराए हैं, और फिर यहाँ पर बैरून जाने वाली जमात और चिल्ले की मस्तूरात की जमात को बुलाते हैं कहाँ बारी पे? बारी चौबीस अंदर? घंटे के लिए मरकज पर अंदर अच्छा, तो कयाम वहां करते हैं उन लोग, तो कहाँ फिर पे? 24 घंटे के लिए बुलाते हैं अच्छा, तो जो क्या उल्मा। वहां करते हैं कि अंदर ये निजामुद्दीन में क्या नहीं करते? नहीं निजामुद्दीन में कयाम बहुत महदूद मजमा करता है, जैसा खिदमत वाला है जो खिलाने वाला है पकाने वाला है, या उमूर चलाने वाले जो साथी है,
तो ऐसे 35-35, 30-35, 40 साथियों का कयाम तो यहाँ रहता है, बाकी बड़ा मजमा जो उमूमी जमाते हैं वो कला मस्जिद में है, और जो उलमा की जमाते हैं साल की निकल रही है या साल की चल रही है या दूसरे साल की है वो मरकजी मस्जिद में है, तीन जगह पे। तो तीनों जगह का मशवरा यही होता है। अच्छा, क्या मौलाना साहब का बयान किसी जगह होता है? मौलाना साहब तो रोज फजर में करते थे, रमजान में तो उनका मामूल है ना, कभी भी नहीं करते। नहीं, फजर में कहाँ करते थे? निजामुद्दीन में? निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन में 360 दिन। बोर्ड की तरफ से पाबंदी है, पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर आते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो करते ही थे, अभी रमजान में तो हमेशा नहीं करते, आपको पता होगा। रमजान में नहीं करते थे या रमजान से पहले? कोर्ट ने रमजान से पहले, रमजान से पहले तो रोजाना किए, सवा घंटे का, डेढ़ घंटे का, हम लोग भी। ठीक, क्या कोर्ट की पाबंदी है निजामुद्दीन आने में उनके लिए? नहीं नहीं निजामुद्दीन में तो उनका घर है ना। अरे घर नहीं, घर के अंदर से जो कोर्ट का आर्डर है, घर की तरफ से कोई आदमी बंगले वाली मस्जिद में नहीं आएगा, ये तो कोर्ट का नहीं है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, कोर्ट के आर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? नहीं तो फिर डिटेल मालूम करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये हम लोग तो गए थे दो दिन के लिए, बीच में गए थे, ठीक है, ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का आर्डर है। अच्छा, आपको नहीं पता? तो अगर कोर्ट के आर्डर की खिलाफ वर्जी करते हैं, क्या दोबारा फिर मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं? अच्छा, ये मालूम करना। अभी तो देखो हम लोग तो ये लेवल के है भी नहीं भाई। अरे भाई, इस लेवल के आप हैं, आपको मालूम भी है, जब सेशन कोर्ट अगर क्या आर्डर, जब घर खोलने के लिए मुझे वल्ला इसके बारे में, क्योंकि इसको हैंडल नहीं कर रहे ना दिल्ली वाले कर रहे हैं। भैया, इसको हैंडल नहीं कर रहा हूँ, अलग चीज है, लेकिन आर्डर तो जो खुला है, घर तो किस शर्त पे खुला है? जो घर खुला है। अच्छा, अभी ये मेरे को बोल के भी क्या हासिल होगा जो जो इसके मुतालिक है? और जो बोल के इसलिए हासिल होगा कि हमारा जो जो भी मजहबी तंजीमें हैं, हाँ, उनका एक वसूल है कि हम गवर्नमेंट के आर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, होना भी नहीं चाहिए, बल्कि हम तो खुलेआम बोलते हैं कि भाई देखो, कोई भी गवर्नमेंट की नहीं, बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ साथियों को कि कमेटी अगर मस्जिद की है तो उसकी भी खिलाफ वर्जी नहीं होना चाहिए, उनकी भी दस्तूर होता है ना। हम आपको बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हजरत का डेढ़ घंटा वो निजामुद्दीन में बयान होता था, जब खुली तौर से सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का आर्डर है कि वो जो है निजामुद्दीन में नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि एविडेंस को मिटा देंगे, जो सबूत है, जिनके ऊपर एफआईआर है, वो उन लोगों को पाबंदी है। और ये सेशन कोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि मौलाना साहब साहब के घर की तरफ से कोई आदमी बंगले वाली मस्जिद में नहीं जाएगा, लिखा हुआ साफ साफ। अच्छा जी, और अगर ये बंगले वाली मस्जिद में जाके बयान करते हैं तो सरीहन कोर्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं आपको फिर से दोबारा फोन करूं बाद में। हाँ, अभी हम लोग निकल रहे हैं बम्बई के बुध के मशवरा जो इतवार को होता है जोहर में, तो कर लीजिए, लेकिन अगर कोई आदमी कोर्ट की खिलाफ वर्जी करेगा तो इससे परेशानी बढ़ेगी। तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात करूंगा। अच्छी बात है, जजाक अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चीज पूछना था जी भाई, क्लियर कर बता दें। छोटे पर हम लोग यही समझते थे कि उलमा की बात मानी जाए, उलमा वारिस अंबिया, बराबर है ना? इस जमाने में लोग ये बताते हैं, आप लोग तो बड़े हो, कि दारुल उलूम देवबंद का वो मकाम हासिल है जो सुप्रीम कोर्ट के एतबार से है। बिल्कुल, तो दारुल उलूम की बात तो हर हाल में मानी जाए। बिल्कुल सही। अब लोग बताते हैं कि दारुल उलूम का कोई फतवा है मौलाना साद साहब के खिलाफ की गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं, तो इस मामले में दारुल उलूम की बात मानी जाए कि ना मानी जाए? नहीं मानी जाए। तो अब इनका रास्ता जो लोग पकड़े हुए मौली साहब का, हाँ, तो क्या लोगों के अंदर गुमराही तो नहीं फैला रहे? बताओ। और जबकि उस फतवे की हिमायत जितने भी मदारी से सबने किया है। नहीं नहीं, वो फतवा तो देखो सुनो, वो फतवा जो है ना उसकी कोई रद्द नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो कोई घर का, वो घर का, घर की राय मशवरा नहीं, कुरान हदीस की बात है ना वो। जी जी जी, कुरान हदीस की बात है। फतवा, फतवे में ये नहीं होता है कि भाई आपने कोई जज्बात में अपनी घर की बात कह दी, गुस्से में कह दी, जी जी, या आपने अपनी नजरिया पेश कर दिया, वो तो फतवा नहीं होता ना। जी जी जी, फतवा तो वो होता है कि जो कुरान क्या कह रहा है इस मामले में, हदीस क्या कहती है इस मामले में, आपके मसाइल, आपके मसाइल उसके हल में लिखा हुआ है, हाँ, कि फतवे का ना मानना कुफ्र है। हाँ, मौलाना यूसुफ का फतवे का इनकार कुफ्र है। मैं नहीं कहता हूँ ये बात, फतवे का इनकार कुफ्र है। फतवा, फतवे का इनकार तो कुरान हदीस का इनकार हुआ, तो क्या हुआ? तो अब जब मौलाना साद साहब के खिलाफ दारुल उलूम में देवबंद के घर का कोई बात है, वो तो कुरान हदीस, तो दारुल उलूम में जब ये फतवा दिया है कि गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं, अंबिया की शान में गुस्ताखी करते हैं और कुरान की तफसीर गलत कर रहे हैं, हाँ, तो फिर ऐसे के साथ जोड़ना या ऐसे के साथ जुड़ना कैसा? नहीं नहीं, मगर ये इन्होंने, मैंने सुना कि रुजू भी किया है उसको।
रुजू करने के बाद दारुल उलूम ने क्या कहा है? क्या कहा? इनके रुजू तो एक्सेप्ट कर रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, इनका रुजू रिजेक्ट कर दिया कि भाई इनका रुजू हो नहीं। ये रुजू जो है शरीयत के मुताबिक नहीं किए इन्होंने। हाँ, मतलब नौ कंडीशन पूरी नहीं की उसमें। कंडीशन जो कंडीशन रुजू की बताई थी वो कंडीशन पूरी नहीं की, तो वो इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया। 9 फरवरी 2017 को इन्होंने आखिरी रुजू चौथा किया है बराबर, और 31 जनवरी 2018 को दारुल उलूम ने उसका जवाब दिया है कि रिजेक्ट है। और बल्कि अहले सुन्नत वाल जमात से हट के एक अलग जमात बना रहे हैं जो हमारे अकाबिर से अलग होगी। हाँ बराबर बराबर, ये जवाब दिया दारुल उलूम ने बराबर। तो जब दारुल उलूम कह रहा है इनके रुजू को रिजेक्ट कर दिया है और कह रहा है गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं, और दारुल उलूम कह रहा मैं अपना दीनी फरीजा समझता हूँ ये चीज को बताने के लिए कि मौलाना साद अहले सुन्नत वाल जमात और जमहूर के रास्ते से हट रहे हैं जो बिला शुबा गुमराही का रास्ता है, और इन पर कदगन ना लगाया गया तो तबलीगी जमात का बहुत बड़ा तबका फिरके जाल्ला में तब्दील हो जाएगा बराबर। तब इनके साथ जोड़ना या जुड़ना फिरके जाल्ला की दावत देना तो है बराबर जी। अब आप बताइए फिर इनके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, इनके इनके इस मकसद से कोई भी मुत्तफिक नहीं होगा ना भाई, कैसा होगा कोई? नहीं तो फिर इनके साथ लोग जुड़ते क्यों हैं ये बताइए वो काम की बसीरत है, क्या करें बताओ आप। दावत काम की दावत बसीरत से है ना ना, हाँ। ना 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 अमीन भाई जी। बसीरत काम की कुरान हदीस के रास्ते पे चलने पर, काम की बसीरत कुरान हदीस के रास्ते से हटने पर नहीं। नहीं नहीं, उनके उनको उसको उनको तो कोई भी नहीं कबूल। कौन कौन और अगर ईमान के आगे क्या चीज है? और अगर इन पर इनके साथ लोग चलते रहे इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी, और इनसे लोग अलग होते रहेंगे तब रुजू की तौबा की तौफीक होगी। यही हाल तो कादियानियों ने किया था। गुलाम मोहम्मद कादियानी की गलत बातों की तावील उनके मानने वाले कर रहे थे, उनको पहुंचाने वाले वहां तक ये उनके मानने वाले तो इनको तौबा की तौफीक ना दिलाना इनके मानने वालों की तो काम है। और एक हदीस मैंने देखा अभी इब्ने तफसीर इब्ने कसीर में, हाँ। कि काब इब्ने उजजा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए काब इब्ने उजजा, अल्लाह ताला तुमको बेवकूफों की सरदारी से बचाए। हाँ, अल्लाह तो काब इब्ने उजजा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेवकूफों की सरदारी क्या है? तो आपने फरमाया, मेरे बाद ऐसे सरदार पैदा होंगे जो शरीयत के खिलाफ अमल करेंगे, मेरी सुन्नतों के खिलाफ करेंगे, लोग उनका साथ देंगे, जो उनका साथ देगा ना उनका ताल्लुक मे से है ना मेरा ताल्लुक उनसे, ना हाउस कौसर पर मेरे पानी पियेंगे साथ देने वाले। बराबर बराबर। तो क्या आज मौलाना साद के साथ जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं उन पर ये हदीस लागू होती है कि नहीं होती? हम लोग क्या सपोर्ट करेंगे नहीं भाई? कोई भी मैं करूँ, आप करो, दुनिया का कोई आदमी करे। बराबर। तो इन पर लागू होती है कि नहीं होती है? होती है को नहीं। मौलाना की कोई बात अगर कुरान हदीस के खिलाफ है तो उसको अगर आदमी यूं कहे कि नहीं तो वो तो वो मौलाना की वो साथ नहीं दे रहा है, वो तो कुरान हदीस की मुखालिफत कर रहा है। हाँ, वो तो मौलाना की जात से क्या मतलब है उसको? आज मौलाना है कल नहीं है, आज की जगह कोई और होगा। ने तो वह बर्दस्ता कह दिया है ये चीजें कुरान हदीस के खिलाफ है कि मस्जिद दरार को बनाने वाले कुरान कहते हैं मुनाफिक थे, कहते हैं ईमान वाले थे, तो कुरान की मुखालिफत हुई कि नहीं हुई? नहीं, वो तो मस्जिद बिल्कुल बराबर है, कुरान जब कह रहा है तो फिर उसके आगे कह रहा है कि मुनाफिक थे मुशरिक थे बिल्कुल, और ये कहते नहीं ईमान वाले थे। नहीं तो, नहीं कहाँ से ईमान वाले हुए? तो जब कुरान कहेगा तो कहाँ से? जी जी, तो जो लोग इनके साथ जोड़ रहे हैं कल क्या क्यामत के दिन मरने के बाद हुजूर का सामना नहीं होना, अल्लाह का सामना नहीं होना, क्या जवाब देंगे? अरे भाई ऐसा तो उसे कौन इनकार कर सकता है। हाँ, तो फिर इनका साथ देना चाहिए कि नहीं ये बताओ आप। अभी क्या है कि दारुल उलूम ने बाद में कुछ और भी फतवे दिए हैं इनके बारे में। क्या दिया है पता नहीं, मैं तो देखो हम लोग तो क्या आखिरी फतवा 7/5/2018 का है मौलाना का, जो मैंने बयान सुना था मौलाना अरशद मदनी का, उन्होंने कहा कि देखो भाई ये इनका जाती मसला है, घरेलू मसला है जो इनका वो है, और वो मामले में उन्होंने कहा, ये किसी ने पूछा भी था कि भाई इन पर काफिर का फतवा लगाया, हम जी काफिर का फतवा कतई नहीं लगाया। हाँ नहीं लगाया, ये बात ये किसने कहा? जब काफिर का फतवा नहीं लगा है तो मौलाना अरशद मदनी क्यों कहेंगे काफिर का फतवा लगा है? हाँ मैंने भी ये सुना बात कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हमने इन पर काफिर का फतवा नहीं लगाया। दारुल उलूम चंद चीजें जो थी जिसमें इन्होंने हद से तजावुज किया था, और हमारे हमारे अइम्मा जो बोलते हैं ना, हमारे बड़े पिछले जो
यानी सुन्नत अहले सुन्नत व जमात के जो उलमा है जिन्होंने जो हद कायम की थी उस हद को इन्होंने जो आगे बढ़ा था, तो हमने वो हद इनको बता दी, उससे इन्होंने रुजू कर लिया, ऐसा बोले? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं मौलाना अरशद साहब के खिलाफ। अच्छा, बिल्कुल अच्छा, गलत बात कह रहे हैं आप। अच्छा, और उस फतवे में मौलाना अरशद साहब की दस्तखत भी है। दस्तखत भी है जी। अभी 22 नवंबर 2011 को मौलाना सलमान बिजनौरी साहब ने, दारुल उलूम के उस्ताद हदीस हैं, 22 दिसंबर 2021 को उन्होंने कहा जो फतवा लागू था आज भी अभी भी लागू है। हाँ, फतवा क्या थोड़ी बदलेगा, कहाँ बदलेगा? तो ये मौलाना अरशद साहब कैसे बदल सकते हैं? नहीं, नहीं बदल सकते। मौलाना अरशद साहब के नाम पर झूठ चलाया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। बराबर जी। तो अब जिसके ऊपर लगा हो फतवा और दारुल उलूम के फतवे की हिमायत सारे लोगों ने की है, फिर उसके साथ जो आदमी जोड़ेगा कल खुदा के यहाँ जवाब देगा। अल्लाह अल्लाह हिफाजत करे भाई, अल्लाह पाक। आप दुआ करना मेरे लिए भी कि अल्लाह हमको ऐसे चीजों से बचा दे जो हमारी आखरत को बिगाड़े, इसलिए कि सारा सब कर रहे तो अपनी तो अल्लाह को राजी करने, आखरत बनाने के लिए। तो अल्लाह को राजी करना है तो हमारे लिए वलमा है कि अल्लाह के राजी करने वाले अमल क्या है। बिल्कुल, वो तो रेवरी है ना उसके अंदर। रेवरी है जी। मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करूंगा, आप दुआ करना, दुआ करता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। आमीन आमीन, अल्लाह आपको जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम।